फ्रेंड्स, वेलकम टू नवी एजुकेशन। आज हम जीरण और इन्फिनिटिव में कंपैरिजन देखेंगे, या आप कह सकते हैं डिफरेंस। हम दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटी भी है और डिफरेंस भी है, इनको हम समझेंगे, जिससे आपको इन दोनों टॉपिक्स जो ये आपके नॉन इन्फिनिट वर्ब्स हैं, जीरण और इन्फिनिटिव, ये एकदम क्लियर हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा। स्टार्ट करते हैं। ये आपके जो जीरण हैं, जीरण आपका सबसे पहले एज अ सब्जेक्ट यूज़ होता है ना। जीरण को सेंटेंस में कभी कभी हम, यानी कि वर्ब में आईएनजी जो इनफॉर्म होती है, उसको हम कभी कभी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, एक सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के रूप में भी यूज़ करते हैं। ऐसे ही सेम हम इन्फिनिटिव को भी एज अ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, यानी कि सेंटेंस में हम एज अ सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के रूप में यूज़ करते हैं। ये इनमें, इन दोनों में सिमिलैरिटी है। सेकंड हमारा है एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। अब जीरण को हम, यानी वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म जो है, उसको हम एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब भी यूज़ करते हैं। सेंटेंस में हम वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं, और इन द सेम केस एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब हम इन्फिनिटिव को भी यूज़ करते हैं। दोनों में ये सिमिलैरिटी है कि एज अ सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट, दोनों को हम, जीरण और इन्फिनिटिव दोनों को हम एज अ सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज़ करते हैं। बस इसमें क्या है, इसमें हम यूज़ करते हैं आईएनजी यानी इन फॉर्म, और इसमें हम टू प्लस बेस फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। थर्ड हमारा है एज अ सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। हम जीरण को एज अ सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, यानी सब्जेक्ट के, कर्ता के कॉम्प्लीमेंट के रूप में हम यूज़ करते हैं, और इन्फिनिटिव को भी एज अ सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हम यूज़ करते हैं। दोनों को, जीरण को भी और इन्फिनिटिव को, एज अ सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, यानी सब्जेक्ट जो हमारा सेंटेंस में है, जो करता है, जो मेन जो काम कर रहा है, उसके लिए कुछ अलग इन्फॉर्मेशन, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी हम जीरण और इन्फिनिटिव को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हमारा है एज अ सब्जेक्ट ऑफ एडजेक्टिव्स। जब सेंटेंस में हम जीरण का यूज़ एडजेक्टिव के सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, जो आपका सेंटेंस में एडजेक्टिव दिया है, जो क्वालिटी दी है, जो आपका क्या दिया है, विशेषण, उसके सब्जेक्ट के रूप में जब हम जीरण को यूज़ करते हैं, ऐसा कभी कभी कंडीशंस में, सेंटेंसेस में हो जाता है। और लेकिन इसके जस्ट अपोजिट एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ एडजेक्टिव्स, हम इन्फिनिटिव को एडजेक्टिव्स के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं। यानी इसमें आपकी सिमिलैरिटी नहीं, इसमें डिफरेंस है। ऊपर के आपके थ्री पॉइंट्स में सिमिलैरिटी थी, एज अ सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट और एज अ सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब आपके फोर्थ पॉइंट में दोनों में सिमिलैरिटी नहीं है, दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि जीरण को हम एज अ सब्जेक्ट ऑफ एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव के विशेषण के सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं, और इन्फिनिटिव को एडजेक्टिव के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को मैं आपको एग्जांपल से बहुत अच्छे से क्लियर करूँगी। फिफ्थ पॉइंट है आपका आफ्टर सर्टेन प्रेपोजिशंस, यानी कि प्रेपोजिशंस के बाद, कुछ प्रेपोजिशंस के बाद मोस्टली हमारा जीरण ही यूज़ होता है, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही यूज़ होती है प्रेपोजिशंस के बाद। बट आपका एक या दो एक्सेप्शंस हैं कि हमारे दो तीन हमारे ऐसे प्रेपोजिशंस हैं जिनके बाद हम इन्फिनिटिव यानी कि टू प्लस बेस फॉर्म का यूज़ भी कर लेते हैं। वो आपके कौन कौन से हैं, अबाउट, बट और एक्सेप्ट। जब आपका सेंटेंस में अबाउट यूज़ हुआ हो, बट यूज़ हुआ हो या एक्सेप्ट यूज़ हुआ हो, तो इनके बाद हम इन्फिनिटिव यानी टू प्लस बेस फॉर्म का यूज़ भी कर लेते हैं, है ना। अब आप कहेंगे कि ये जो सेकेंड है बट, ये आपका क्या है, कंजक्शन। तो ये आपका कंजक्शन तो है, लेकिन कभी कभी ये एज अ प्रेपोजिशन भी सेंटेंस में यूज़ हो जाता है। इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी। अब आपके ये फाइव आपके थे, जिसमें आपकी जीरण और इन्फिनिटिव, इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज़ थी, कुछ डिफरेंस था। अब इन रूल्स को, इन कॉन्सेप्ट्स को मैं आपको एग्जांपल से बिल्कुल ईजिली एक्सप्लेन करती हूँ। चलिए एग्जांपल से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। फर्स्ट हमारा एग्जांपल है विनिंग इज़ एवरीथिंग, है ना। विनिंग इज़ एवरीथिंग, जीतना ही सब कुछ है। सपोज़ आपका सेंटेंस है, तो इसमें आप देखिए कि विनिंग क्या है। विन आपका वर्ब है, वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगी हुई, यानी कि ये आपका क्या हुआ, जीरण्ड हुआ,
ठीक है। और ये आपका सेंटेंस में कैसे यूज़ हुआ है, एज अ सब्जेक्ट, जो आपका फर्स्ट रूल था एज अ सब्जेक्ट, जीरन और इन्फिनेटिव दोनों एज अ सब्जेक्ट यूज़ होते हैं, उसी को मैं क्लियर कर रही हूँ कि आपका फर्स्ट है विनिंग इज एवरीथिंग में ये आपका जीरन है और एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है। ऐसे ही सेम टू विन इज एवरीथिंग, जीतना क्या है, सब कुछ होता है। तो हमारे यहाँ पर टू विन, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, बेस फॉर्म लगी है, तो ये आपका टू यूज़ हुआ इसलिए ये आपका हो गया इन्फिनेटिव और दोनों एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुए हैं। यहाँ पर आपका विनिंग, यहाँ पर टू विन, सेम सेंटेंस है और दोनों में सिमिलैरिटी है कि दोनों एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुए हैं, ठीक है। सेकेंड हमारा कॉन्सेप्ट था एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। अब देखिए, आई लव एक्टिंग, मुझको एक्टिंग करना अच्छा लगता है, पसंद है, आई लव टू एक्ट, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है। अब इसमें देखिए कि एक्टिंग जो हमारा ये है, एक्ट में आईएनजी लगा हुआ है, एक्टिंग ये हमारा क्या है, जीरंड, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है, इंग फॉर्म है, आई, हमारा आई सब्जेक्ट हो गया, लव वर्ब हो गया। अब इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, एक्टिंग, मैं क्या पसंद करता हूँ, एक्टिंग करना, है ना, तो ये एक्टिंग क्या हुआ, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब लव, यानी इस लव वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ एक्टिंग, तो ये आपका जीरंड है। ऐसे ही सेम देखिए, आई लव टू एक्ट, अब एज एन ऑब्जेक्ट हमारा टू एक्ट, ये टू एक्ट क्या है, इन्फिनेटिव, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी है तो ये आपका इन्फिनेटिव है और ये भी सेंटेंस में एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है, आई सब्जेक्ट है, लव आपका वर्ब है, वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, टू एक्ट, एक्टिंग और टू एक्ट, जीरंड और इन्फिनेटिव दोनों एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हुए हैं, फर्स्ट में एज सब्जेक्ट, सेकेंड में एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ठीक है। हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट था सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में, यानी कि सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में। अब आप देखिए सेंटेंस है, माय फ्रेंड्स पास टाइम इज स्लीपिंग, मेरे फ्रेंड का पास टाइम क्या है, फ्री टाइम में वो क्या करता है, मेरा फ्रेंड इज स्लीपिंग, सोना, वो सो नहीं रहा है, माय फ्रेंड्स पास टाइम इज स्लीपिंग, सोना, उसका पास टाइम क्या है, वो फ्री टाइम में उसको क्या काम करना पसंद है, स्लीपिंग, सोना, तो यहाँ पर स्लीपिंग हमारा एज अ जीरंड यूज़ हुआ है। और ये जो हमारा सब्जेक्ट है माय फ्रेंड्स पास टाइम, ये पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है, इसको कौन सा वर्ड कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, इस सब्जेक्ट को क्या, कौन सा वर्ड एक्सप्लेन कर रहा है, स्लीपिंग, कि हमारे फ्रेंड का पास टाइम क्या है, सोना, स्लीप करना, तो ये वर्ड हमारा जो है जीरंड है, ये इस सब्जेक्ट को, इस पूरे सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, देन दिस इज सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ऐसे आप देखिए सिमिलरिटी है, माय फ्रेंड्स पास टाइम इज टू स्लीप, अब इसी को अगर हम इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे तो हमारा हो जाएगा टू स्लीप, टू प्लस बेस फॉर्म, तो ये हमारा है इन्फिनेटिव। अब देखिए, ये आपका सब्जेक्ट था माय फ्रेंड्स पास टाइम, इसको एक्सप्लेन कर रहा है टू स्लीप, यानी टू स्लीप क्या है, इन्फिनेटिव, तो दोनों हमारे जो जीरंड और इन्फिनेटिव हैं ये दोनों सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, देन दिस इज सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब ये तीन सिमिलैरिटीज़ थी कि एज अ सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ये थ्री आपकी जीरंड और इन्फिनेटिव में सिमिलैरिटीज़ थी। फोर्थ हमारा रूल था कि हमारा जो जीरंड है वो एडजेक्टिव के सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता है, यानी एज अ सब्जेक्ट ऑफ एडजेक्टिव्स। फोर्थ हमारा रूल क्या था कि हमारा जो जीरंड है वो एज अ सब्जेक्ट ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जो सेंटेंस में दिया है उसका सब्जेक्ट बन जाता है। देखिए आप सेंटेंस, हैविंग क्लोज फ्रेंड्स इज वंडरफुल, अब हमारा इस सेंटेंस में हमारा एडजेक्टिव क्या है, वंडरफुल, यानी बहुत सुंदर होना, बहुत अच्छा होना, तो इसका सब्जेक्ट क्या बन गया है, हैविंग क्लोज फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स रखना, क्लोज फ्रेंड्स बनाना बहुत अच्छा होता है, तो यहाँ पर ये आपका जो वंडरफुल है ये एडजेक्टिव है और इसका सब्जेक्ट क्या हो गया, हैविंग क्लोज फ्रेंड्स, तो ये हैविंग जो यूज़ हुआ है ये आपका है जीरंड और एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है किसका, एडजेक्टिव का, ठीक है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट आपका जो इन्फिनेटिव होता है वो एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ एडजेक्टिव, वो एडजेक्टिव का क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट बन जाता है इन्फिनेटिव, जीरंड बनता है सब्जेक्ट एडजेक्टिव का और इन्फिनेटिव बनता है ऑब्जेक्ट ऑफ एडजेक्टिव। अब देखिए इसका एग्जाम्पल है, इट इज़ वंडरफुल टू हैव क्लोज फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा होता है टू हैव, अब टू हैव लगा हुआ है, टू हैव क्लोज फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स बनाना बहुत अच्छा होता है, तो टू के साथ बेस फॉर्म लगी हुई है, ये आपका इन्फिनेटिव है और ये आपका क्या है, इसमें इट इज़ वंडरफुल, वंडरफुल आपका इसमें क्या, एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, टू हैव,
क्लोज फ्रेंड्स. तो इसमें एडजेक्टिव का ऑब्जेक्ट हो गया टू है, और इसमें फर्स्ट वाले आपके सेंटेंस में वंडरफुल जो आपका एडजेक्टिव था इसका सब्जेक्ट हो गया हैविंग, जीरंड हो गया सब्जेक्ट और इन्फिनेटिव हो गया ऑब्जेक्ट. किसका? एडजेक्टिव का. ये आपका क्या था? फोर्थ रूल था कि जीरंड एज अ सब्जेक्ट ऑफ एडजेक्टिव यूज होता है और इन्फिनेटिव एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ एडजेक्टिव यूज होता है. अब आपका फिफ्थ है कि आफ्टर सर्टेन प्रेपोजिशंस, जो आपने प्रेपोजिशंस पढ़े हैं अभी तक, जैसे आपका इन, ऑन, एट, अंडर, बिहाइंड, बहुत सारे होते हैं आपके जो लिंकिंग वर्ड्स होते हैं, है ना, तो उनके बाद मोस्टली आपका जीरंड ही यूज़ होता है. लेकिन एक दो ऐसे एक्सेप्शंस हैं कि आपका जैसे बट है, अबाउट है या एक्सेप्ट है, ये थ्री वर्ड्स ऐसे हैं, थ्री ऐसे हमारे प्रेपोजिशंस हैं जिनके साथ हमारा इन्फिनिटिव यूज़ होता है, यानी इन्फिनिटिव यूज़ हो सकता है जीरंड के साथ साथ, जीरंड भी और इन्फिनिटिव भी. थ्री ऐसे आपके एक्सेप्शंस हैं कि बट, अबाउट और एक्सेप्ट, इनके बाद आपका इन्फिनिटिव यूज़ हो सकता है. लेकिन और जितने आपके हैं प्रेपोजिशंस उसमें मोस्टली आपका जीरंड ही यूज़ होता है. फॉर एग्जांपल देखिए, आई हैव एन इंटरेस्ट इन बिकमिंग अ डॉक्टर. मुझे क्या है? इंटरेस्ट है, बहुत रुचि है इन बिकमिंग अ डॉक्टर, एक डॉक्टर बनने में. अब देखिए इस सेंटेंस में इन आपका क्या है? इन इज़ प्रेपोजिशन, इन इज़ प्रेपोजिशन. इसके बाद क्या यूज़ हुआ है? बिकमिंग. बिकमिंग आपका है जीरंड. बिकमिंग क्या है? जीरंड, जो इनके बाद यूज़ हुआ है ना. तो ये आपका है प्रेपोजिशन, आफ्टर प्रेपोजिशन हमारा जीरंड यूज़ हुआ है ना. लेकिन हमारे जो एक्सेप्शंस थे हमारे कि अबाउट है, बट है, एक्सेप्ट है, उनके बाद हम इन्फिनेटिव का यूज़ कर लेते हैं. अब आप कहेंगे कि बट तो हमारा कंजक्शन है, लेकिन कभी कभी बट एज अ प्रपोजिशन भी यूज़ हो जाता है. बट आपका कंजक्शन ही है, जो आपने पहले पढ़ा था फैन बॉयज़ में, वो बट क्या है? लेकिन कभी कभी बट एज अ प्रपोजिशन भी यूज़ हो जाता है. बट कंजक्शन होते हुए भी कभी कभी एज अ प्रपोजिशन यूज़ हो जाता है. और आपका जैसे है अबाउट है, एक्सेप्ट है, इनके बाद भी इन्फिनेटिव यूज़ कर लेते हैं. अब देखिए, आई हैड नो चॉइस बट टू फॉलो हर. मेरे पास कोई चॉइस नहीं है बट टू फॉलो हर, उसको फॉलो करने के अतिरिक्त मेरे पास कोई चॉइस नहीं है. अब यहाँ पर बट आपका क्या है? बट इज़ प्रपोजिशन. उसके बाद हमारा यूज़ हुआ है टू फॉलो. टू फॉलो क्या हुआ? इन्फिनेटिव. टू प्लस बेस फॉर्म है, बट के बाद क्या यूज़ हुआ है? टू फॉलो. देन दिस इज़ इन्फिनेटिव. ठीक है, ऐसे ही देखिए, ही इज़ अबाउट टू प्ले इन द पार्क. वो पार्क में प्ले यानी खेलने वाला है ना. तो ही इज़ अबाउट. अब ये आपका अबाउट क्या है? अबाउट इज़ प्रेपोजिशन. उसके बाद हमने क्या यूज़ किया है? टू प्ले. टू प्ले हमारा क्या है? इन्फिनेटिव. टू प्लस बेस फॉर्म है, तो टू क्या है? टू प्ले क्या है? इन्फिनेटिव. इस तरीके से आपने देखा कि दो या तीन प्रपोजिशंस को छोड़कर मोस्टली प्रपोजिशंस के बाद हमारा जीरंड यूज़ होता है. ये आपके फाइव रूल्स के एग्जांपल्स थे जिनसे मैंने आपके इस कॉन्सेप्ट को, जो आपका जीरंड और इन्फिनेटिव का कंपैरिजन था, या आप इसको आप डिफरेंस कह सकते हैं, या फिर आप इसको सिमिलैरिटी कुछ भी कह सकते हैं, कि इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंस है, इसको मैंने आज क्लियर करने की कोशिश की है. और आई होप आपको इन एग्जांपल्स से ये टॉपिक, ये दोनों टाइप्स जो हैं नॉन फिनिट वर्ब्स की, एकदम क्लियर हो गई होंगी. अब आपका थर्ड टाइप रह गया है पार्टिसिपल, जिसको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत ईजिली एक्सप्लेन करूँगी. आज के लिए इतना ही. ओके, बाय.